इस खबर के प्रायोजक हैं होटल लेक व्यू किशोर सागर तालाब के सामने छतरपुर। आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। प्रदेश में आज मुख्य चुनाव आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगरीय निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। छतरपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप जी आर के निर्देशन पर आज जिला प्रशासन की टीम ने बस स्टैंड पर लगे राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर निकालने शुरू कर दिए और लोगों को जागरूक करते हुए सार्वजनिक जगहों पर बैनर पोस्टर नहीं लगवाने की अपील की। इस अवसर पर SDM छतरपुर विनय द्विवेदी, एडिशनल SP विक्रम सिंह, CMO ओमपाल सिंह भदौरिया सहित विभिन्न थानों के थाना प्रभारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि प्रदेश में दो चरणों में नगरीय निकाय होंगे। वरदान एक्सप्रेस के लिए छतरपुर से राहुल मालिक की रिपोर्ट। अपनी होर्डिंग बैनर पोस्टर स्वतः हटा लें। कल के बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, इनको हटवाया जाएगा, अन्यथा आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। सर, किन किन निर्देशों का पालन करना होगा? नगरीय क्षेत्र की आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, आचार संहिता का पालन करें। सर, लोगों ने अभी तक शस्त्र भी जमा नहीं किया, शासन का सब जमा होंगे, पूर्ण सहयोग करें, सब चीज जमा होंगे। धन्यवाद। कितने दिनों का अल्टीमेटम है सर? ये तो चुनाव आचार संहिता लग गई है, तत्काल जमा करना चाहिए। कृपया ध्यान दें, आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। जी हाँ, कई बार देखा जाता है पंचायत चुनाव में आय पूर्वक वोटिंग करवाई जाती है गुंडों मवालियों के द्वारा, तो उन पर कैसी कसावट? नहीं, हम तो लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो एंटी सोशल एलिमेंट है, चाहे क्रिमिनल बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं, इनके खिलाफ बॉन्डवर की कार्रवाई, बॉन्डवर भी कर रहे हैं, जिला बदर भी होगा, NSA भी होगा और अन्य जितने भी प्रिवेंटिव एक्शन हैं। होर्डिंग बैनर पोस्टर लगे पाए जाने पर